सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो। तो मैं अरविंद आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसका नाम पीटर बाय हेल्पलाइन है। तो फाइन दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके लिए धमाकेदार वीडियो। तो वीडियो करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। फाइन दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ कि अगर आपके बच्चे जल्दी बड़े नहीं हो रहे, या फिर आपकी गर्मी में जल्दी बच्चे बचते नहीं हैं, तो आप क्या ऐसा करो कि आपके कबूतर के जो बच्चे हैं वो जल्दी बड़े हो जाएँ और हेल्दी बच्चे रहें। तो दो कमी बताऊँगा जो आपको नहीं करना है, और तीन चार बताऊँगा जो आपको तरीके आजमाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला काम क्या करना है दोस्तों, गर्मी के दिन में जो कबूतर होते हैं, जो बच्चे पालते हैं, वो दाना ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो पानी कम पीते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से क्या होता है, वो दाना देते हैं बच्चे को और पानी थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए भी थोड़ा बहुत बचाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बच्चों को थोड़ा पानी कम मिलता है। तो आपको करना है क्या है, आपको अगर अपने कबूतर को दाना चुबा दिया, जब शाम को जब आपने अपने कबूतर को दाना चुबा दिया, उसके बाद जो कबूतर है वो बच्चों को भी दाना चुबा दिए, उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, शाम को जब आपको दाना चुगाने के बाद आपको लास्ट में इस रेंज में आपको ले लेना है कम से कम 10 ml पानी, और आपको बच्चों को दे देना है एक्स्ट्रा दाना देने के बाद। तो इससे क्या होगा, उनको जो पानी का मात्रा जो कम होगा तो वो थोड़ा फालतू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, पानी जैसे कबूतर जो है वो उनके बच्चे तो जल्दी विकसित होंगे और जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला पॉइंट जो आपको आजमाना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, आपके कबूतर के बच्चे जैसे दाना दे दिए, उसके बाद भी आप कर सकते हो, एक पार्ले जी का पैकेट ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, और उसको आप क्या करना है, थोड़ा गर्म करके पानी, और उसमें थोड़ा घोल देना। उसके बाद थोड़ा वो पानी जब ठंडा हो जाए, मतलब जो घोल आपने बनाया हो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, स्पिंच में लेना है, और जो दाना खाने के बाद, जो बच्चे को दाना देने के बाद आप दे देना है सबको, सबको मिनिमम दे सकते हो, ज़्यादा नहीं देना है, 5 ml दे सकते हो या फिर 10 ml दे सकते हो दाने के हिसाब से। अगर उसके पोटे में ज़्यादा दाना है तो थोड़ा कम दीजिए, अगर पोटे में ज़्यादा दाना है तो थोड़ा कम दीजिए, अगर पोटे में थोड़ा दाना कम है तो ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, स्पिंच तो इस ये भी दोगे तो इससे क्या होगा, जो इसके पहले पहले दाना दिए रहेगा, ऊपर से आपने ये दे दिया, तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, तो क्या होगा, कबूतर के बच्चे जल्दी विकसित होंगे और जल्दी बड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यही है कि दोस्तों, अगर आपके जो कबूतर हैं, जो बच्चे हैं जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जो खंडा है, खंडा उसको हम आपको हमेशा साफ़ रखना है, क्योंकि जो आप साफ़ रखोगे तो ये होगा कि वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं मिलेंगे, या फिर जो टुल्लू होते हैं छोटे छोटे होकर कीड़े होते हैं वो भी नहीं होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कबूतर जो उनके जो बड़े कबूतर होते हैं, जो बच्चों को दाना देते हैं, तो वहाँ पे दाना गिर जाता है, तो जो बच्चे होते हैं हमेशा चोंच मारते रहते हैं, तो वो गलती से वो कहीं कीड़े उठा लेंगे, तो कीड़े उठाने की वजह से क्या होता है, उनके पेट में कीड़े चल जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो जल्दी विकसित नहीं हो पाते हैं और पतले के पतले रह जाते हैं और मर भी सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा खंडा साफ करके रखना है, जिसके वजह से आपके बच्चे जल्दी बड़े होंगे और बच्चे बचे रहेंगे। क्योंकि कहीं दोस्तों को पता भी चलता है कि बच्चा पूरा हेल्दी रहता है, पूरा परफेक्ट सही रहता है, सोचते हैं सही है बच्चा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चा मर जाता है तो पता नहीं चलता है, इसी वजह से होता है दोस्तों, कीड़ा वड़ा चल जाता है पेट के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा मर जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद आपको ये भी करना है कि अगर आपके बच्चों को, मतलब जो भी आपके बच्चे के जो होता है, आपके बच्चे के आपको सफाई करती रहनी, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था अभी सफाई करते रहना है। ठीक है दोस्तों, अपने बच्चे का, और प्लस में आपको अगर आपका अपने बच्चे को और जल्दी विकसित करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो बासी रोटी हो, जो आपके पास रोटी बच जाए, उसको आपको पानी में डाल देना, उसके बाद जब वो रोटी फूल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको छान लेना है, और जो पानी बचेगा उस पानी को आपको सिरिंच में लेकर आप अपने बच्चों को देना है सुबह समय, सुबह और शाम को। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे जल्दी जल्दी विकसित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही थे कुछ पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आइए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते दोस्तों इससे भी अच्छे वीडियो के साथ।